मातुल इस्लाम बात कर रहा हूँ जेहलम से। अल्लाह अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक है? का एहसान है, आप तो हमारे बुजुर्गों की माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्तियों की आप बेटे हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आमीन। एक मसला पूछना था, एक मिनट से, कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद किताब है ना, उलमाए देवबंद की, उसमें एक कीदा लिखा हुआ है ना, जो नबी करीम सलातुस्सलाम के जसदे अतहर के साथ मट्टी टकरा रही है, अशोक काबा से अफजल है, कुरान या सही हदीस से कोई दलील है? देखिए, इसके बारे में ये इस तरह फोन पे करने वाली बात है। पहली बात तो ये कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है वो बिल्कुल सही किताब है और उलमा जी जी देवबंद की बड़ों की किताब है। और जी इसके बारे में हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने रहमतुल्लाह। तफसीर कुरान करीम में हर साल में बड़ी तफसील फरमाई है और उसके मुख्तलिफ जवाब और जो भी उसके ऊपर जरा है, जो भी उसके ऊपर एतराजात हैं, उनके काबिले तशस्सी जवाब ठीक है। जी अगर आप ये नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं जी अपने हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं उनसे आपके रब्ता करा दूंगा, अच्छा 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 वो अच्छा आपको अच्छा इस बारे में तफसीलात दे देंगे। जी तो वैसे आपके पास कोई आयत है या हदीस सही? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है जी। आप इस वक्त क्या इम्तिहान लेना चाह रहे हैं? नहीं, इम्तिहान नहीं, गुजारिश है कि अगर कोई है तो अगर पेश करें, ताकि मैं भी खुशी होगी, यकीन करें बहुत खुशी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, हर बात इस तरह, आप मुझे जोहर की नमाज आयत को दिखा सकते हैं? नहीं, आप क्या दिखाते जो हैं नंबर पे? नहीं, जो अभी ये बताया ना देखें आपने, आप मुझे असर की नमाज आयत में दिखा दें तो कुरान मैं आपको फिर की, आयत तो क्या मैंने इसका मतलब बताएंगे। इसलिए गुजारिश की है ना जी, कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद आपकी उकायद उलमाए देवबंद है ना असल में, तो उसमें आयात और सही हदीस होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें है, मौजूद है सब कुछ उसमें, उसके जितने अकायद हैं वो सारे कुरान करीम और हदीस सही अखद है। अच्छा, तो देखिए, आप इस, फुकहा भी एक बहुत बड़ी उम्मत होती है, फुकहा जो कि तमाम शरीयत के दलाइल और उसूलों को और तमाम मगर उसूलों के इब्ने हुक्म को इब्ने मानते हैं। तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तो इस अकीदे के खिलाफ है ना मौलाना, जी बिल्कुल, वो आपकी बात सही है, तो उनका फिर नजर इजमा ना, इजमा उम्मत है ना ही कुरान की आयत आप बता रहे हैं, माफी चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपसे वही कहा ना कि आप अब पूरी बात समझे बगैर बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद में जो छापा गया वो गलत छापा है, फिर आपके पास क्या जवाब होगा? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कुरान की आयत सही हदीस के साथ रेफरेंस के साथ बात हो ना। आपकी बात सही है, रेफरेंस से ही बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आपको कौन से इतराज अकीदे पे, आप मुझे ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, नहीं, आप वो मुझे कहिए। अर्ज ये है कि एतराज यही है ना जी, कि अर्श काबा से अफजल है मट्टी जो टच कर रही है, तो इसकी देखो, दलील हो असल ना। में मुफ्ती साहब ने, हजरत वाली साहब रहमुल्ला ने इसके जवाब दिए रहमतुल्लाह हैं अलैह। और उसमें जी उन्होंने एक जवाब ये भी दिया है कि ये तहतर की जगह जो है वो बदतर आ गया है या गलत आ गया है, उल्टा छप गया है। अच्छा, और उसके दलाइल भी मौजूद है कि किसने शरारत की है, कैसे की है, वो सारी तफसील आपको मिल जाएगी। चले, मगर गुजारिश है कि आप मुझे सेंड कर दिएगा कुरान की आयात से सही हदीस से। जी ठीक है, जी इंशाल्लाह देखते हैं, जी डिनर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।